आप किचन पे पहुंच गई हो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज का ब्रेकफास्ट क्या है? बहुत सारी राइस बचा हुआ है, ये देखो। इस राइस को फ्राई करूंगी ऑनियन अंडा सबके संग। ये देखो कढ़ाई गर्म हो चुका है ऑलरेडी। अब जो करना है ये ऑनियन को छोड़ना है। ऑनियन को छोड़ चुकी हूँ, अब इसको अच्छे से भूनना है, हमें फ्राई करना है। हाय फ्रेंड्स, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ मेरे घर में ब्रेकफास्ट का बहुत फैसिनेशन है। कुछ हो और ना हो, ब्रेकफास्ट बढ़िया होना चाहिए। सो आज मैं बना रही हूँ घर का बचा हुआ राइस से, जो राइस आगे से बच जाता है उसी राइस से ब्रेकफास्ट। आज का जो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ घर का बचा हुआ राइस से ब्रेकफास्ट, आई मीन फ्राइड राइस, ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ मेरी YouTube चैनल पे। एक्चुअली ये जो राइस है ये बहुत अंकुर और आकुल दोनों ही पसंद करते हैं, और बचा हुआ जो राइस होता है वो लंच पे फिर से गर्म करो उसके बाद खाओ, उससे तो बेटर है कि ये मैं बना दूँ ब्रेकफास्ट से ही ये पूरा यूज़ हो जाता है, आई मीन खा लेता है प्यार से। आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी निवेदिता बैनर्जी। आज का ब्रेकफास्ट रेडी, फ्राइड राइस। अब इसको परोसना है। अब रेडी कर रही हूँ, स्कूल जाने वाला है इसीलिए, और देखो कितना एक्साइटेड है, इतनी साल बाद स्कूल जा रहे हैं, इतनी दिन तक तो ऑनलाइन ही क्लास करता था। जनाब ने पोस क्या बनाया देखो। ये देखो आकुल रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, और बहुत जोर जोर से बातें भी करनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर उसका कॉल चल रहा है। देखो कितना चिल्ला चिल्ला के कॉल कर रहा है आकुल, देखो कितना एक्साइटेड है आकुल, पता है स्कूल जाने के लिए।
कौनुक्ति तो नहीं आने वाली है, इसीलिए पूरा घर का काम मुझे ही करनी पड़ती है। सो जितनी सारी बर्तन अभी भी हुआ है उसको क्लीन कर लूँ, उसके बाद सुनती हूँ अकुल का बात। जितनी सारी बर्तन था सब कुछ धो लिया, क्लीन कर लिया, क्योंकि उसको तो क्लीन मुझे ही करनी है। सो सब कुछ क्लीन कर लिया, ब्रेकफास्ट का वो खाना पीना, चाय जो बनाई मैं राइस, उसका सब कुछ, पूरा किचन को क्लीन कर लिया, सब सफाई कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, इसको मैं रेडी कर चुकी थी स्कूल जाने के लिए। उसके बाद पूरा रेडी होने के बाद इसको पॉटी आ गए, तो फिर से वो वॉशरूम चले गए, वॉशरूम से आ गए हैं। चलो पहन लो, इसको पहनो, फिर से इसको रेडी करना है। इसको रेडी करके इसका पोल कराने वाला है, इसको उठा दूँ, उसके बाद आकर बहुत सारे कपड़ा भिगो के रखी हूँ, उसको वॉश करना है, नहीं तो बहुत दिन से वो टब पे जमा हो रहा है। मैं मशीन पे नहीं धोने वाली हूँ, इसलिए धुआ नहीं, यानी वॉश नहीं किया। सो आज हाथों से ही वॉश करना है। तो बहुत सारी कपड़ा वगैरह है, कपड़ा कुछ नहीं है, सब बेडशीट वगैरह है, तो उसको वॉश करना है। तो पहले इसको उठा लूँ, उसके बाद चलो ये शर्मा रहा है तो पहले इसको रेडी कर दूँ, उसके बाद मिलते हैं। इस बुक को अकुल कितना पसंद करते हैं कि पूछो मत, पूरा दिन कट जाता है इस बुक के संग। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया। अब आई हूँ अकुल को छोड़ने के लिए पुल करके। ये देखो अकुल, बेसिकली अभी भी पुल कर भैया नहीं आए, तो आज हम लोग आकर खड़े हैं। हर रोज़ तो वो भैया ही आ जाते हैं, पर अभी भी आया नहीं, तो हम लोग खड़े हैं। ये देखो वेट कर रहे हैं, मैं और अकुल। ये अकुल वेट कर रहे हो पुल कर के लिए। एक्चुअली ये बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने में, जा भी रहा है, एंजॉय। आज बहुत टाइम वेट करवाया ये पुलकर भैया ने। कुल को छोड़ के चली आई घर। अब बहुत सारे काम है, क्योंकि बहुत सारी कपड़ा भिगो के रखी हूँ। आज तो बहुत सारे काम किया, बहुत सारी कपड़े वगैरह थे उसको वॉश किया, बेडशीट वगैरह थे बहुत सारी, वो जम रहा था, मशीन पे वॉश नहीं करूँगी इसलिए उसको रख दिया था साइड में। ये देखो वहाँ पर जो है वो ब्लैंकेट का कवर है, ये और ये चादर, ये एक चादर, पीछे में तो कपड़ा वगैरह है अंकुर और अकुल का। ये सब वॉश करके ना मेरी तो हालत पूरा ख़राब हो चुका है, अब मैं बैठूंगी लंच पे। और सबसे बड़ी बात है ना, आज घर में पूरा अकेली हूँ, पूरा। अकुल गया है स्कूल पे, अंकुर गया है बैंक पे, तो अभी भी लौटा नहीं, पूरा पूरी अकेली हूँ मैं अब। अच्छी लग रही है घर में अकेला रहना,
मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि अपने जैसे रह सकते हैं। तो अब करना है लंच, मैं लंच कर लूँगी। अंकुर के लिए नहीं वेट करूँगी क्योंकि उसका कोई आने का टाइम ठीक ठाक नहीं रहता है। किसी के संग रास्ते पे मिल जाएगा तो वहीं पर रुक जाएगा गपशप करने के लिए, इसलिए मैं लंच कर लेती हूँ। अब मैं बैठ चुकी हूँ लंच करने के लिए और मैं आज कुछ भी खाना नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ चावल को बनाई क्योंकि कल मेरी फ्रेंड आई थी तो बहुत सारी खाना पकाई थी तो वो सब रह चुका है, उसी से आज चल जाएगा। ये फिश, कल का ही फिश है ये, आज बनाई नहीं मैंने। सो फ्रेंड्स, आज मैं अकेली स्टार्ट कर देती हूँ लंच करने के लिए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अंकुर अभी आने वाला नहीं है क्योंकि उसका थोड़ा टाइम लगेगा, अंकुर तो स्कूल गए हैं। लंच के बाद मिलती हूँ, पहले लंच कर लेती हूँ आराम से। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी बाज़ार क्योंकि कल तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे में जो पूजा होता है उसका सामान खरीदने के लिए, आई मीन फूल, मिष्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो देखो आकुल आगे आगे जा रहा है, देखो ये देखो, मैं और आकुल अब जा रही हूँ बाज़ार। और ये जितने खुश क्यों है पता है, ट्यूशंस नहीं है प्लस घर में भी पढ़ाई नहीं किया। গ্যাদারধনির মালা কত? সাত টাকা। সাত? পাঁচ করে ছিল তো। মাসি গ্যাদারধনি কত? গ্যাদারধনি পাঁচ টাকা না? পাঁচ করে দেবে না? মাসি আমাকে দশ টাকা শুধু খুচরো ফুল দাও, গেঁদা ফুল বেশি দেবে। কাল তো টিউজডে হ্যাঁ তো উসকা বাজার লেকার আ গই ফুল বগেরা। আর আকুল উঠে বসো, এইভাবে কেউ পড়াশুনো করে না, ঠিক করে বসো। ये आकर ही पढ़ने बैठ गया। और देखो जो लेकर आई, हेयर स्पा लॉरियल का, लॉरियल का, हाँ लॉरियल का हेयर स्पा। ये ना बहुत साल पहले मैं एक परचेस की थी बट तब एक बार यूज़ किया, उसके बाद यूज़ ही नहीं किया क्योंकि कबाड़ में रखी थी और ये पीछे चला गया और सामने बहुत सारी सामान आ गए। तो उसके इसके लिए जो हुआ, मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास ये एक कंटेनर है। उसके बाद जब मैं तो रेंट पर रहती हूँ, जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तब सब कुछ आई मीन फिर से पैकिंग कर रही थी क्योंकि इस घर से उस घर जाना है, तब जाके हाथ पे लगा लेकिन तब वो कंटेनर एक्सपायर हो चुका था तो यूज़ नहीं कर पाई। और ये ख़रीदने के लिए तकरीबन एक महीने से मैं हर दो तीन दिन बाद ही मैं जब बाहर जाती हूँ तो सोच के जाती हूँ कि एक स्पा के कंटेनर लेकर आना है, तो मैं भूल जाती हूँ। तो आज जाने की इमीडिएट पहले ही स्मिति के संग बात कर रही थी तो
तब ये स्पार्क के बारे में वो बता रही थी, तब मैंने ब्रेन में लगा के गई कि आज लेकर ही आनी है, तो इसको कह दिया कि बच्चा आने के टाइम मुझे थोड़ा सा रिमाइंडर कर देना कि मुझे इसको लेना है, तो ये लेकर आई हूँ, कल इसको यूज़ करने अप्लाई करने वाली हूँ। चलो अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। बट ये जो स्पा है ये बहुत अच्छे स्पा है, ये मुझे पता है, तो मैं ये करने वाली हूँ। और ना ये जो बाज़ार गई जाने के टाइम तो रिक्शा लेकर ले ली थी, आने के टाइम वॉक करके आई हूँ, क्योंकि वॉक भी करना चाहिए हम लोगों को। सो इतना गर्मी है और बहुत थक चुकी हूँ। सो अब यहाँ पर राकुल पढ़ेगा साइंस और मैं वो जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पर बैठ के थोड़ी सी रेस्ट लूँगी। उसके बाद क्या है, बहुत ही डिस्टर्ब करता है हर टाइम हर वक्त, बाद में दिखा रही हूँ ना, बताए ना, चलो पढ़ो, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, हर वक्त ड्राइंग करो या ये करो वो करो। आज सुबह को पता है जब पुल कर के लिए वेट कर रही थी, ये एक भी फोटो खींच नहीं पाया, ऐसे 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 कर रहा था, क्योंकि इसका आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए। बाद में दिखाऊंगी, बताए ना। सो अब रेस्ट लूँगी क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ, ऊपर से कौनों की नहीं आ रहे हैं, तो वो भी एक उसके वजह से भी पाजल्ड हो रही हूँ, तो वो कल ट्यूसडे है, बॉटल वगैरह को वॉश करना है, जो पानी का जो ड्राम है उसको वॉश करना है, बहुत सारे काम है। सो चलो थोड़ी सी रेस्ट ले लेती हूँ और इसको नहीं दिखाऊँगी तो ये टूट पड़ेगी, अभी 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 मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। ये देखो, ये आकुल ने ड्राइंग किया और ये आकुल बोल रहा है कि इसको दिखाओ तुम्हारी जो जितनी सारी YouTube फ्रेंड्स है सबको, और बोलने के लिए बोलो कैसे हुआ। बहुत अच्छा हुआ बेटा, बहुत अच्छा हुआ। यस, अब तो बहुत रात हो चुका है, देखो घड़ी में पूरा 12 बज चुका है, इतनी देर हो गई है आज, और मैं तो रातों को ही आज चंपी कर लिया, चाहे सुबह उठकर ही शैम्पू कर सकती हूँ, और वो तो स्पा करने के लिए वो लेकर आई हूँ, उसको लगा के स्पा कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टायर्ड लग रहे हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।